हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज यश योर टेक मेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रियलमी की तरफ से रियलमी 12 सीरीज का नया स्मार्टफोन रियलमी 12 5G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगर आपने हमारा इस महीने का अपकमिंग स्मार्टफोन्स वाला वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो में मैंने बोला था कि रियलमी 12 प्लस तो लॉन्च होगा ही होगा, लेकिन साथ ही में रियलमी 12 5G भी लॉन्च किया जाएगा एंड सेम डेट पर लॉन्च किया जाएगा। एंड गेस व्हाट, आई वाज राइट। Realme 12 5G जो है 6 तारीख को ही इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। Flipkart पर इसका लैंडिंग पेज आ चुका है एंड ये जो स्मार्टफोन है डिफरेंट मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर भी देखा गया है एंड वहां से इस फोन के लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं Realme 12 5G से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है एंड ओवरऑल कैसा रहने वाला स्मार्टफोन, सारी चीज डिस्कस करते हैं बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऐसे ही कंटेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिलेगी, हालांकि यहां पर आपको प्लास्टिक का बैक मिलेगा लेकिन यहां पर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने के लिए मिल सकता है एंड ऑब्वियसली ग्लास फ्रंट तो आपको मिलेगा ही सर, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, साथ ही साथ IP54 की रेटिंग भी यहां पर आपको मिल सकती है, तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। फ्रेम यहां पर एल्यूमिनियम का दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई। बैक पैनल में अगर आप देखेंगे वही सर्कुलर कटआउट दिया गया है बीचों बीच फोन के, जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिलता है, रियलमी की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले आपको दिया गया है, पतले पतले से बेजल से पतली चिन्ह आपको मिलती है एंड कलर्स की अगर बात करें तो पर्पल कलर में एंड ग्रीन कलर में, दो कलर्स में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। दिखने में स्मार्टफोन गुड लुकिंग है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड एंड डिजाइन में शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, 6.72 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, तो कंटेंट वॉचिंग में तो आपको मजा आएगा लेकिन इन हैंड फील बल्कि रहेगा एंड यस सिंगल हैंड यूसेज डिफिकल्ट रहेगा। 6.72 इंचेस का जो डिस्प्ले है वहां पर आपको मिलेगा सेंटर पंचोल, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन एंड IPS LCD पैनल। Yes, यहां पर आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा, यहां पर प्रोबेबली आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 394 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, कलर्स अच्छे रहेंगे, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया रहेंगे, साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिलेगा। तो Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट देख पाएंगे लेकिन इस फोन के साथ में आपको HDR कैपेबिलिटीज नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल डिस्प्ले जो है कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ 950 nits की यहां पर आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, तो विजिबिलिटी का इशू भी नहीं रहने वाला है, इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी। साथ ही साथ यहां पर आपको 120 hertz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 180 hertz का आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट है, मतलब IPS पैनल, मतलब ऐसा नहीं है भाई साहब कि खराब ही पैनल है, IPS पैनल अच्छे पैनल होते भाई। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छी है, रिफ्रेश रेट अच्छा है, तो डिस्प्ले में आपको बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं आएगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो बताया जा रहा है कि यहां पर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट। ये जो स्मार्टफोन है Geekbench पर भी लिस्ट हुआ है एंड वहां से ये चिपसेट कंफर्म हो जाता है कि 6100 प्लस यहां पर मिलने वाला है। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू कम रहता है एंड ओवरऑल थर्मल मैनेजमेंट फोन का बढ़िया रहता है। साथ ही साथ रॉ CPU परफॉर्मेंस की अगर बात करें या डे टू डे की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड पर 2A76 वाले कोर्स आपको मिलते हैं जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देते हैं, नॉर्मल परफॉर्मेंस में कहीं शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स की अगर बात करें तो आर माली G57 MC2 GPU यहां पर आपको मिलता है जो कि 2 कोर का GPU है एंड अच्छी गेमिंग भी आपको करा देता है। 40 FPS की गेमिंग मीडियम सेटिंग पर आप आराम से कर सकते हैं, सो यस गेमिंग में आपको शिकायत नहीं आएगी।
प्लस LPDDR4X रैम रहेगा, UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलेगा। सो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलने वाली है। बात करेंगे कैमरास के बारे में। दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, खड्डे चार है लेकिन चार खड्डों में दो कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का एंड इस प्राइमरी कैमरा के साथ में 3x इन सेंसर जूम भी आपको मिलता है। हालांकि OIS की कैपेबिलिटीज यहां पर आपको नहीं मिलती है, जायरो EIS जरूर से यहां पर आपको मिलेगा लेकिन डेडिकेटेड OIS नहीं है। लेकिन प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, साथ ही में एक छोटू मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग एंड मैक्रो शॉट्स लेने के लिए, जो कि कोई काम का नहीं है। लेकिन प्राइमरी कैमरा अच्छा दिया गया है, रिजोल्यूशन तगड़ा आपको दिया गया है। रियर कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर EIS के सपोर्ट के साथ में। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। यस, 8 मेगापिक्सल तो कम हो गया भाई साहब, मतलब थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 13 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसके हिसाब से तो भाई साहब 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा। एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें, आई वुड से कैमरा सेटअप एवरेज है, कैमरा सेटअप में ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी, तो बहुत अच्छा कैमरा सेटअप भी नहीं दिया गया है। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000mAh की बैटरी जरूर से यहां पर आपको मिलेगी। ये जो फोन है FCC पर भी लिस्ट हुआ है जहां से कंफर्म हो जाता है कि यहां पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही में 45W की चार्जिंग का फोन सपोर्ट करेगा एंड ऑब्वियसली 45W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी दिया जाएगा। तो बैटरी मॉड्यूल अच्छा मिलने वाला भाई साहब, 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, हालांकि IPS LCD का पैनल है 120Hz के साथ में, तो कंजप्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी इस फोन के साथ में नॉर्मल यूसेज पर एक दिन का बैकअप तो आप निकाल ही लेंगे, तो बैटरी बैकअप में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। एंड चार्जिंग स्पीड यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है, मोर इंपॉर्टेंट चार्जर इनबॉक्स दिया गया है, तो बैटरी मॉड्यूल में शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक भी यहां पर दिया गया है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा एंड जो पावर बटन है वहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग डायनामिक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ये काफी अच्छी बात है, कुछ नया आपको Realme के फोन में देखने को मिलने वाला है, ये काफी सही है। फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छोटर-पुटर इधर-उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, Android 14 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट Android वर्जन मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहां पर आपको मिलेगा Realme UI 5.0 जिसका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। हां, ब्लोटवेयर जरूर से आपको मिलेंगे लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर यहां पर आपको मिलेंगे। जी हां, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको नहीं मिलने वाले हैं, सिंगल स्पीकर्स लाउड इनफ रहेंगे, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स होते तो और ज्यादा बढ़िया रहता। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो प्रोबेबली यहां पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा जहां पर 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे या फिर 1 सिम निकाल करके मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो स्पेसिफिकेशन डिसेंट है भाई, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन बढ़िया है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, डिसेंट कैमरास है, अच्छा बैटरी मॉड्यूल है, ठीक ठाक से स्पीकर्स है। तो ओवरऑल एज एन पैकेज अगर देखा जाए तो एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन है। बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में, तो 6+128 एंड 8+128 दो वेरिएंट्स में ये जो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। एंड प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें तो बताया जा रहा है 15,000 के आसपास ये जो स्मार्टफोन है बेस वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इससे ऊपर होना भी नहीं चाहिए भाई साहब, 15,000 के अंदर ही ये स्मार्टफोन होना चाहिए तभी लेने लायक रहेगा। अगर 15,000 से 1 रुपया भी ऊपर हो जाता है देन आई वुड से कि ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हो जाएगा। ये जो स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट पर प्रीबुक के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, सो यस मेरे हिसाब से प्रीबुक मत करो, प्राइस सेगमेंट आ जान दो उसके बाद में आप बुक करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, कैसा है स्मार्टफोन, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे, एंड खरीदना पसंद करेंगे तो किस प्राइस पॉइंट पर खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।